हेलो गाइस, मैं हूं एके और आज हम लोग 5 vs 5 की फ्रेंडली वॉर कर रहे हैं जिसमें बस 4 मिनट बचे हैं और मेरा लास्ट अटैक है। तो अब 1 स्टार और लाना है डिस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें, इसलिए मैं 5 पे अटैक करने जा रहा हूं। होपफुली मेरा 1 स्टार और आएगा इस पे तो हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है, तो मैं अटैक करने जा रहा हूँ। ये TH9 की 5 vs 5 वॉर है, इसलिए यहाँ पर केवल TH9 के लेवल के ट्रूप्स ही अलाउड है। तो मैं अटैक पे क्लिक करता हूँ। तो मैं अटैक करता हूँ और आप लोग अटैक एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 3 स्टार हो गया है और हम लोग वॉर जीत चुके हैं यार। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार अटैक करके। और प्रेशर तो होता ही है भाई कि टीम को जिताना है, भले ही फ्रेंडली वॉर क्यों ना हो। वैसे ही हम लोग वॉर ऐसे ही कर लेते हैं कभी कभी 5 vs 5 की, क्योंकि हम लोग जब क्या कहते हैं, हम लोग का कोई उस समय वॉर का इवेंट चल रहा होता है तो हम लोग के पास फ्री टाइम होता है, मगर कोई वॉर नहीं चल रही होती, इसलिए हम लोग ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज खुद से के लिए कर लेते हैं। तो भाई तुम लोग को बताना कैसा लगा, और अगर ऐसे इवेंट्स में तुम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ मुझे। तुम लोग को जब भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो तुम लोग पार्टिसिपेट इसमें। तो भाई वॉर मैप में जाते हैं और ये फ्रेंडली वॉर तो हम लोग जीत चुके हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है यार ये देख के। और थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं अब अपने क्लैन में वापस आ चुका हूँ, तो अब मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉर इसमें स्टार्ट नहीं है और इस समय 7:23 PM या 7:24 PM हो रहा है, और इस समय 8 बजे जो है हम लोग की वीक 6 की फ्रेंडली वॉर लीग की वीक 6 की नाइट कैप फ्यूरी के साथ हम लोग की वॉर होने जा रही है। 15 vs 15 की वॉर है जिसमें TH9, TH10 और TH11 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब मैं आपको बिल्डर्स बेस पे जहाँ तक की ले चलूँ, तो जैसे कि आप मेरा बिल्डर बेस देख सकते हैं, मेरा लेवल 4 बिल्डर हॉल है, मगर मेरा डिफेंस मैंने पूरा अभी लेवल 1 का ही रखा है पूरी डिफेंस। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स क्या कहते हैं मेरी लेवल 1 की हैं। बस गार्ड पोस्ट मेरा अभी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो इस गार्ड पोस्ट के पास एक बारबेरियन और एक आर्चर दिखाई पड़ रही है मुझे, जो कि हो सकता है वो डिफेंस करे। और अभी तो एक बारबेरियन और एक आर्चर कैसा डिफेंस करती हैं ये तो मैं नहीं जानता। ठीक है, और जेम माइन तो भाई मुझे एक फालतू की सबसे फालतू बिल्डिंग लगी यार। इसमें देखो 2 जेम पर डे मिल रहा है, अगर तुम मैक्स कर लोगे जेम माइन को तो भी 3 जेम पर डे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी अगली अपडेट का तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ अभी इस हिसाब से तो भाई ये जेम माइन फालतू ही है। क्लॉक टावर भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी वो मिली है बिल्डिंग, और मेरा जिस तरह से कूल डाउन इसका पूरा हो चुका है, 8 मिनट का फ्री बूस्ट इसलिए देती है भाई, 10x का बूस्ट देती है, जो कि सारी बिल्डिंग्स जो हैं और बिल्डर्स सबको बूस्ट कर देती है ये क्लॉक टावर। तो अब मैं इसको एक्शन में दिखाता हूँ कि आखिर ये क्लॉक टावर करती क्या है यार। तो गोल्ड माइन कर लेता हूँ फिर, 20 मिनट है तो चलो दिखा ही देता हूँ मैं तुम्हें करके कि आखिर करता क्या है ये क्लॉक टावर। तो मैंने क्लॉक टावर पे क्लिक किया, फ्री बूस्ट बूस्ट। अब देखो भाई ये देखो क्या भाग रहा है, स्पीड देखो। ठीक है, बैरक्स भी बूस्ट हो चुका है, ये रिसर्च फैक्ट्री जो रिवर्स रिसर्च लेबोरेटरी है ये भी पूरी बूस्ट कर चुका है, ये
और इसने जेम माइन, एलिक्सर कलेक्टर और क्या कहते हैं गोल्ड माइन सबको बूस्ट कर दिया है। अटैक करता हूँ एक और दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए ये बेस बढ़िया है मेरे लायक का, तो इसमें मैं एक स्टार तो ले ही आऊँगा। दोनों बॉलर बॉम्बर छोड़े मैंने, और ये देखो बॉम्बर का कमाल ये है। दोनों भाई कर दिए इसने, ये देखो ऐसे फेंका, फिर आर्चर्स। चलो टाउन हॉल तो इसका फोड़ ही देगी मेरी आर्चर्स, ठीक है फोड़ दिया टाउन हॉल। देखो बॉम्बर पीछे से यार अपना वही वाला क्लैश रॉयल वाला बॉम्बर है ये अपना, जो धीरे पीछे पीछे आता है और सब कुछ फोड़ता जाता है। 17% हुआ यार, कुछ खास नहीं, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा बिल्डर हॉल पे वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कुछ अपग्रेड अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो इस समय बिल्डर हॉल पे मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई जमिंग की है। बस शुरू में मैंने जमिंग की थी बिल्डर हॉल लेवल 2 तक, बस उसके बाद से मैं फिर कुछ नहीं जम किया। अभी तक मैंने सब कुछ नॉर्मली चल रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। तो जैसे देख सकते हैं भाई 20 मिनट इसमें गोल्ड माइन में दिखा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही वापस लौटा हूँ तो अभी इसकी 2 मिनट की बूस्ट भी नहीं हुई है, यहाँ पे 20 मिनट का कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10x बूस्ट में कितना बूस्ट करता है। और चलिए भाई अब तो मैं चलता हूँ यार, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। और फिर से एक नई वीडियो लेके आऊँगा मैं वॉर अटैक्स की, जो मेरा अभी आज फ्रेंडली वॉर लीग में होने जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा भाई, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरे इस कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मन है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, और मैं जैसा हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा।